हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो उनके लिए खास होने जा रही है जो इंग्लिश में टाइपिंग करते हैं और उनको हिंदी में जैसे कुछ मैटर टाइप करना होता है तो उनको प्रॉब्लम आती है, वो हिंदी में मैटर टाइप नहीं कर पाते। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आप टाइप ने आपने इंग्लिश में ही करना है लेकिन वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा मैटर। तो आइए सीखते हैं। तो जैसे कि आपने एमएस वर्ड में कोई हिंदी में कोई लेटर वगैरह टाइप करना पड़ जाता है तो आप क्या करोगे, आप इंग्लिश में टाइप करोगे, देखो इंग्लिश में मैटर हमारा आ रहा, लेकिन आपने अगर इंग्लिश में टाइप करना और हिंदी में आपने उस मैटर को कन्वर्ट करना तो कैसे करोगे आप? तो आपने इंटरनेट को ओपन करना है। इंटरनेट ओपन करने के बाद गूगल आपने ओपन करना है। गूगल में आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है ऑफलाइन हिंदी इनपुट टूल। ऑफलाइन हिंदी इनपुट टूल आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ पे फर्स्ट पे आपने क्लिक करना है। फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड करना है। यहाँ पे नीचे आप जाओगे तो यहाँ से आप डाउनलोड करना चाहो तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपने कितने बिट में आपने डाउनलोड करना है, 32 बिट में करना है, 64 बिट में करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे कि मैंने डाउनलोड किया हुआ है। डाउनलोड करने के बाद आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप नीचे देखोगे यहाँ पे ऐसे आ जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है, लेकिन मैंने अगर मैटर हिंदी में टाइप करना तो यहाँ पे इस पे क्लिक करना हिंदी पे। और अब मैं यहाँ पे जब एमएस वर्ड में ऐसे ही आपने अगर वहां पे गूगल में करना तो गूगल में, अगर यहाँ पे एमएस वर्ड में करना तो यहाँ पे भी आपने कन्वर्ट करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, यहाँ पे इंग्लिश में टाइप करना, जैसे कि हम व्हाट्सएप पे चैट वगैरह करते हैं तो ऐसे ही हमने यहाँ पे मैटर टाइप करना है। आप देख रहे हो यहाँ पे जो भी मैटर आपने टाइप करना है हिंदी में, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन वगैरह जो भी आपने टाइप करना है यहाँ पे आप सिलेक्ट करके आप ऐसे यहाँ पे हिंदी में आप टाइपिंग कर सकते हो। तो ऐसे इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप हिंदी में कोई भी एप्लीकेशन वगैरह टाइप करना चाहो तो टाइप कर सकते हो। कोई अपने जैसे कि पर्सनल मैटर आपने टाइप करना तो आप ऐसे टाइप कर सकते हो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।